सीएसके फैंस के लिए एक बड़ी खबर, फाफ डुप्लेसिस की फिर से हुई चेन्नई सुपर किंग टीम में वापसी। महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डुप्लेसिस फिर खेलेंगे एक साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है बड़ी खबर, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम अन्य क्रिकेट की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबर में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों टीम के पूर्व खिलाड़ी फाफ डुप्लेसिस एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग टीम में वापसी कर चुके हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग टीम ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग में एक नई टीम खरीदी है, जिसमें उन्होंने मार्की खिलाड़ियों की सूची में फाफ डुप्लेसिस को अपनी टीम में शामिल किया है। सीएसके ने फाफ डुप्लेसिस के अलावा मोइन अली को भी अपनी टीम के साथ जोड़ा है। दोस्तों सभी छह टीमों ने अभी तक न अपने खिलाड़ियों का ऐलान किया है और न ही टीम का आधिकारिक नाम के तौर पर बताया है, मगर क्रिकेट बच की खबर के अनुसार सीएसके ने फाफ प्लेसिस को अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि साल 2011 से 21 तक सीएसके टीम का अहम हिस्सा थे। 2022 में टीम ने उन्हें रिलीज किया था और आरसीबी ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया और कप्तान बनाया था। खबर के अनुसार सीएसके ने जोहान्सबर्ग फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग ने फ्रेंचाइजी को 5 खिलाड़ियों का चयन करने के लिए कहा गया था, जिसमें एक मेजबान टीम के खिलाड़ी के साथ 3 विदेशी खिलाड़ी और एक अनकाइड खिलाड़ी का चयन होने के लिए कहा गया था। 3 विदेशी खिलाड़ी में से 2 ही प्लेयर्स एक देश के हो सकते हैं। दोस्तों क्रिकेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल की शुरुआत में ही होने वाली 6 टीमों की इस लीग के लिए खिलाड़ियों के सीधे अधिकारियों का बुधवार यानी कि 10 अगस्त का दिन आखिरी रखा गया था। चेन्नई सुपर किंग टीम के अलावा मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अपने अपने खिलाड़ियों का चयन किया है। इन 6 नई टीमों में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की सूची मुंबई इंडियंस में चुने गए हैं। इस मुंबई इंडियंस ने राशिद खान के साथ कुल 4 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया, जिसमें से लियाम स्टोंग, कगिसो रबाडा और सैम करन भी शामिल हैं। दोस्तों वहीं दिल्ली कैपिटल्स में एनरिच नारचिया, हैदराबाद के टीम ने एडन मार्करस और राजस्थान ने जोस बटलर को और लखनऊ की टीम ने क्विंटन डिकॉक को चुना है। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।